हैं, महिलाएं करती हैं शोषण। मैं महिला होने के बावजूद कह रही हूँ, महिलाएं करती हैं शोषण, करती हैं, सच में करती हैं। ये जेंट्स की पे कम है, लेडी की ज़्यादा है, तो वो उसके ऊपर हावी होना चाहती है। पुरुष तो पुरुष है, वो आज भी हमारे समाज के अंदर पुरुष तत्व है। शायद ये मॉडर्नाइजेशन का हम रिजल्ट देखते हैं कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस भी बना लिया है। कुछ ग्रुप तो मैंने ऐसा देखा कि भाई उनकी शादी हुई और दुल्हन सारे गहने लेकर भाग गई। इस आधुनिकता के दौर में आजकल इंडिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, इसलिए आजकल कोई झुकना नहीं चाहता और इसलिए सामंजस्य नहीं बनाना चाहता आपस में, तो इसीलिए ही जो हो रहा है उत्पीड़न बढ़ रहा है एक दूसरे का। वैसे मॉडर्न युग में उत्पीड़न हम कह नहीं सकते कि उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, ये केवल अपने राइट्स का गलत अधिकार मतलब गलत यूज कर रहे हैं बस। पार्क वगैरह में भी बहुत सोसाइटीज़ वगैरह करती हैं सेलिब्रेशन, और कभी अगर हमें ऐसा भी फील हुआ तो हम उन लेडीज़ को भी बुला के एक प्रोग्राम करना चाहेंगे इंटरटेनिंग। कि आपको बता दें, मैं रुड़की साकेत कॉलोनी स्थित हर मिलाप धर्मशाला में, और आप यहाँ पर देखते हैं जिस तरह से हर जगह आजकल अलग अलग संस्थाएं हरियाली तीज का जो पर्व है, तीज महोत्सव जगह जगह मना रही है, उसी तरह से जो समर्पण जन कल्याण संगठन का एक महिला विंग है उनके द्वारा हर मिलाप धर्मशाला में इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु गुप्ता है। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर महिलाएं डांस कर रही हैं, गेम खेल रही हैं, काफी यहाँ पर पकवान तैयार है हम देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को इस पर्व के लिए? बस यही है, सभी के लिए शुभ हो ये त्यौहार, सभी का सुहाग बना रहे और सभी अपने परिवार में स्वस्थ खुश रहें, सभी हेल्दी और वेल्दी हों, तो ये हम सभी की मनोकामना है सभी के लिए। आप अध्यक्ष हैं तो क्या क्या कार्य कर रहे हैं आप महिला होने के बावजूद महिलाओं के लिए? इस तरह से समर्पण देखते हैं, जगह जगह शिविर लगाते हैं, कभी रक्तदान शिविर, कभी कावड़ के लिए शिविर, इस तरह से आपने कौन सा? जुलाई में, अभी ये 1 जुलाई को हमारी स्टार्ट हुई है और हमने इसका विस्तार किया है शाखा का, तो अभी तो एक ही महीना हुआ है, उसमें हमारा ये कावड़ कैंप चला है 12 दिन का। उसके बाद कल हमने मेहंदी लगवाई है लेडीज़ को निशुल्क, अग्रवाल धर्मशाला में शायद आप आए भी थे कल कवर करने, और आज हम अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब ये सेलिब्रेशन करने के बाद अब हम सोशल एक्टिविटी और करेंगे कि हमें किस क्षेत्र में क्या क्या करना है, उसकी थोड़ी सी रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है और कुछ अब हम और करने जा रहे हैं। खूब महिलाएं हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, लेकिन वो उस तरह के कार्यक्रम को इंजॉय नहीं कर पाती, अपने घर में ही रहती है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि जैसा पार्क वगैरह में भी बहुत सोसाइटीज़ वगैरह करती हैं सेलिब्रेशन, और कभी अगर हमें ऐसा भी फील हुआ तो हम उन लेडीज़ को भी बुला के एक प्रोग्राम करना चाहेंगे इंटरटेनिंग। हमें एक बार पता चले कि भाई हाँ कुछ इस टाइप से है कि लेडीज़ फील करती हैं, तो जिस तरह से हमने निःशुल्क मेहंदी लगाई है तो इसी तरह से कोई रंगा। अच्छा, तो महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए आपका समर्पण जो जन कल्याण संगठन महिला है, इसे रोकने के लिए कुछ आगे किस तरह का काम कर रहा है? भैया मैं तो जो समाज में देख रही हूँ ऐसा नहीं है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है, मैं तो देख रही हूँ पुरुष उत्पीड़न भी बहुत बढ़ रहा है, महिलाएँ करती हैं शोषण। मैं महिला होने के बावजूद कह रही हूँ महिलाएँ करती हैं शोषण, करती हैं, सच में करती हैं। सही है क्या? बिल्कुल सही कह रही है, दोनों ही वर्ग अपने अपनी जगह, कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कई बार महिला उत्पीड़न होता है और कई बार पुरुष उत्पीड़न भी होता है। और आजकल शायद ये मॉडर्नाइजेशन का हम रिजल्ट देखते हैं कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस भी बना लिया है। कुछ ग्रुप तो मैंने ऐसा देखा कि भाई उनकी शादी हुई और दुल्हन सारे गहने लेकर भाग गई, इस तरह की भी चीज़ें समाज में होती हैं। तो पहले यही चीज़ें समझ में आती थी कि केवल महिला उत्पीड़न है, अब तो दोनों का ही उत्पीड़न होता है। इस चीज़ के लिए हम एक कार्य करेंगे। इस तरह से टाइम बदल रहा है, तो इसी तरह से अब ये चीज़ें भी बदल रही हैं। जी बिल्कुल बदल रही हैं। हमारे साथ कुछ, आप तो थोड़ा ओल्ड एज हैं, थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मैडम ने बताया कि भाई पहले होता था लेकिन अब तो पुरुषों का भी हो रहा है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आप कुछ बेहतर जानती हैं? जी हाँ जी, मैं अपनी दोनों बहनों के मत से सहमत हूँ। देखिए पहले जो जॉब किया जाता था लेडीज़ का, एक ये सोचा जाता था कि भाई सेल्फ डिपेंड हो, लेकिन आज के समय में सेल्फ डिपेंड होना भी एक अभिशाप हो गया है। किस तरह से मैं बताऊंगी आपको कि मान लीजिए जेंट्स की पे कम है, लेडी की ज़्यादा है, तो वो उसके ऊपर हावी होना चाहती है। पुरुष तो पुरुष है, वो आज भी हमारे समाज के अंदर पुरुष तत्व है, तो यहाँ पर आकर के आपस में फ्रिक्शंस होते हैं दोनों के, तो इसको हटाना, इसको दूर करना, ये हमारे समाज के लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस पारिवारिक माहौल अच्छा होना चाहिए, उनका संस्कार पुरुष को भी और महिला को भी, दोनों को अच्छे अगर घर से मिल रहे हैं तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं आएंगी। इंडिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है,
मतलब डिपेंड आदमी एक दूसरे के ऊपर नहीं है, जैसे पहले था ना आधुनिकता के दौर में। आजकल इंडिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, इसलिए आजकल कोई झुकना नहीं चाहता और इसलिए सामंजस्य नहीं बनाना चाहता आपस में, तो इसीलिए ही जो हो रहा है उत्पीड़न बढ़ रहा है एक दूसरे का। वैसे मॉडर्न युग में उत्पीड़न हम कह नहीं सकते कि उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, ये केवल अपने राइट्स का गलत अधिकार मतलब गलत यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। कौन कर रहे हैं, पुरुष महिला? पुरुष भी, पुरुष क्या ज़्यादा कर रहे होंगे, महिला ज़्यादा कर रही है। मैं महिला होने के बावजूद भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस में एडवोकेट प्रीति अग्रवाल, मैं अपने हिसाब से कोर्ट में जो देखती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि महिलाएँ ज़्यादा अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आपने सुना यहाँ पर जो महिला संगठन के पदाधिकारी सदस्य हैं साफ तौर पर कह रही हैं कि भाई सामाजिक कल्याण हेतु, सामाजिक कार्य हेतु, महिलाओं के उद्धार हेतु काफ़ी कार्य हमारे संस्था के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी सोशल एक्टिविटी के लिए अभी एक ही महीना हुआ है इनकी जो संस्था बने हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में उन महिलाओं के लिए भी कार्य करेंगे जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं। और साफ तौर पे कह रही है कि कहीं ना कहीं महिलाएं अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रही है, जिसको उनको लेकर काफ़ी सोचने विचार विमर्श करने की आवश्यकता है।